तो गाइज आज हम लोग सरवाइव करेंगे 100 डेज, वो भी इस वन ब्लॉक पर। और गाइज ये वन ब्लॉक बाकी सारे वन ब्लॉक की तरह आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि गाइज इस वन ब्लॉक के ऊपर हमारा सामना होने वाला है हीरो ब्रेन से। और गाइज अगर आपको भी जानना है कि कैसे हमने हीरो ब्रेन का सामना किया और कैसे हमने अपना ये वाला वन ब्लॉक कन्वर्ट कर दिया इसमें, तो गाइज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला दिन शुरू होते ही हम लोग लग जाते हैं माइनिंग पर, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि माइनिंग वन ब्लॉक पर कितनी जरूरी है। और गाइस थोड़ी देर बाद हमें हमारा पहला पेट भी मिल जाता है। और गाइस माइनिंग करते करते हमारा पहला फेज भी खत्म हो जाता है इतने जल्दी भाई साहब। और गाइस मेरा दोस्त तो खुशी से उछल रहा था, लेकिन गाइस वहीं पर दूसरा फेज भी आ चुका था, वो भी प्लेन बायोम का। और गाइस उसके बाद मैं अपने दोस्त और अपने लिए एक एक स्टोन की स्वर्ड बनाता हूँ, क्योंकि गाइस आपको तो पता होगा जॉम्बी कहीं से भी स्पॉन हो जाते हैं। और गाइस उसके बाद मैं लग जाता हूँ हमारा आइलैंड एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि गाइस हीरो ब्रेन आएगा तो भाई साहब हमें तो कहीं भागने की जगह चाहिए ना। और गाइज आइलैंड एक्सपेंड करते करते पता ही नहीं चला कि कब पहले दिन की रात भी होने वाली थी। और गाइज उसके बाद जैसे ही मैं अपना पुराना सामान चेस्ट में रखने जाता हूँ, गाइज तभी वहाँ पर हीरो ब्रेन आ जाता है, जो कि गाइज हमारे आइलैंड पर पूरी लाइटनिंग कर देता है। और गाइज उसने एक बारी के लिए मेरे दोस्त को जान से मार दिया था। और गाइस उस टाइम पे ना मैं और मेरे दोस्त बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। और गाइस इतने में वहां से हीरो ब्रेन भी गायब हो जाता है। और गाइस ना मैंने और ना ही मेरे दोस्त ने देखा कि आखिर वो गया कहाँ पर। लेकिन गाइस हीरो ब्रेन ने ना हमारा बहुत ही ज्यादा नुकसान कर दिया था, हमारे जानवर आधे से ज्यादा मर चुके थे। और गाइस उसके बाद मेरे दोस्त को मिल चुकी थी एक वाटर बकेट, वो भी गाइस माइनिंग कर। और गाइस हमने ना हमारी पहली सीड लगा दी थी, और गाइस ये सीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और गाइस अब ना मैं सुबह तक माइनिंग करने लग जाता हूँ, क्योंकि गाइस ना तो हमारे पास बेड था और ना ही कुछ। और गाइस इस दौरान ना हमारे पास और भी एनिमल्स आ चुके थे। और गाइस फाइनली हमारा फेज 2 भी कम्प्लीट हो चुका था, मतलब गाइस अब मतलब ये फेज 3 आ चुका है। और गाइस हमारा ये जो फेज 3 है ना, इसमें हमें कोबल स्टोन भी मिल जाते हैं भर भर कर, जिससे मैं टूल्स भी बना लेता हूँ हम दोनों के लिए। और गाइस इतने में हमारा एनिमल फार्म भी बन चुका था, जिसमें सारे एनिमल्स जाने वाले थे। लेकिन गाइस हमारे पास वुड की बहुत ही ज्यादा कमी हो रही थी, इसीलिए मैं लग जाता हूँ बनाने के लिए एक ट्री हाउस, मतलब गाइस जहाँ पर हम लोग ट्री वगैरह उगा सकें। और गाइज मैं ये बिल्ड बनाकर बहुत ही ज्यादा थक चुका था, इसीलिए गाइज मैं पेट पूजा करने के लिए AFK चला जाता हूँ। और गाइज इतने में जैसे ही मैं वापस आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्त के ऊपर स्पाइडर्स ने अटैक कर दिया है। और गाइज मैं जैसे तैसे कर उनको मारता हूँ, और एक क्रीपर भी आता है जिसको मैं उड़ाकर फेंक देता हूँ बिल्डिंग से नीचे। भाई साहब और मेरा दोस्त यहाँ पर फट चुका था।
और गाइस उसके बाद मेरा दोस्त माइनिंग कर ही रहा होता है, तभी फेज 3 भी कंप्लीट हो चुका था, मतलब अब आयरन भी मिलेंगे। और गाइस उसके बाद मैं चला जाता हूँ एक अलग ही चेस्ट का रूम बनाने, पर हम लोग अपना सामान रखेंगे। लेकिन गाइस उसके बाद ना हमें बहुत ही ज्यादा आयरन मिलता है, जिससे मैं आयरन का एक आर्मर भी बना लेता हूँ। लेकिन तभी वहां पर एक स्केलेटन और डॉग स्पॉन हो जाता है, लेकिन स्केलेटन तो दोबारा वापस चला जाता है पता नहीं क्यों। लेकिन गाइस मुझे उस वुल्फ को भी मारना पड़ता है, क्योंकि गाइस वो मेरे दोस्त के पीछे पड़ गया था। और गाइस इतना सब कुछ करने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने एनिमल को उसी रूम में शिफ्ट करने जो कि हमने बनाया था। और गाइज उसके बाद ये पिग पता नहीं क्यों नहीं जा रहा था मेरे साथ, और गाइज मैं इसका खाना बना देता हूँ पिग का, अब तो मैं पका के खाऊंगा मजे से। लेकिन गाइज उसी वक्त हमारे फार्म में अटैक कर देते 3 स्केलेटन, जिसको गाइज मैं और मेरा दोस्त बहुत ही अच्छे से सबक सिखाते हैं भाई साहब। और गाइज उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने घर के लिए भाई साहब आइलैंड एक्सपेंड करने। और गाइज जब तक के लिए मेरा दोस्त पीछे वीट फार्म बना रहा है, क्योंकि गाइज हमें खाने की भी तो जरूरत है ना। लेकिन गाइस तभी वहां पर स्पॉन हो जाते पोलर बेयर, और गाइस मैं सोच रहा था कि इसे लेकर कैसे जाऊंगा। और गाइस तभी वहां पर ट्रेडर भी स्पॉन हो जाता है, वो भी 2 लामा के साथ। लेकिन भाई सब लामा कौन रखता है, हमें तो सिर्फ लीड चाहिए। और गाइस हम लोग उसे मारकर लीड ले लेते हैं, और मैं पोलर बेयर को नया घर दिखाता हूँ। लेकिन भाई 1 सेकेंड गाइस मेरा दोस्त उस ट्रेडर के साथ खेलने लग गया। और गाइस उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपना वीट फार्म में सीड लगाने, क्योंकि भाई साहब खाना ना बहुत ज्यादा जल्दी चाहिए था। और गाइस तभी वहां पर स्पॉन हो जाता है एक वुल्फ, मतलब गाइस ये हमारा पहला वुल्फ इसीलिए है क्योंकि गाइस ये हमारा पेट बन चुका है। और गाइस तभी वहां पर एक मॉन्स्टर की पार्टी आ जाती है। गाइस ये हमारी पहली मॉन्स्टर की पार्टी थी, इसीलिए गाइस हम लोग पीछे डर कर भाग रहे थे। लेकिन गाइस फिर मैंने अपना दिमाग लगा कर ना इन ज़ॉम्बियों को तहस नहस कर रख दिया। और गाइज उसके बाद मैं शीप को शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि भाई साहब पहले मेरे दोस्त ने भी कर ली थी, मतलब अब हमारे पास 2 बेड हो चुके थे। लेकिन गाइज फिर ना हम लोग माइनिंग पर चले जाते हैं, लेकिन तभी गाइज उस पेड़ के पीछे हमें हीरो ब्रांड दिखाई देता है, और मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ तो वो यकीन नहीं कर रहा होता। लेकिन गाइज जैसे ही वो आगे आकर लाइटनिंग फेंकता है ना, तब उसे समझ आती है। और गाइज जैसे ही मैं वहाँ पर देखने जाता हूँ दोबारा से, तो वो गायब हो चुका था। लेकिन गाइस हमें हीरो ब्रैंक का जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना गाइस ये तो हमें ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कर मार देगा। और गाइस अगर तो हमने इसको कुछ भी गुस्सा दिलाया या कुछ किया, भाई साहब आपको तो पता होगा हमें पूरा ख़त्म कर देगा ये एक ही वार में। लेकिन गाइस उसी वक्त माइनिंग करते करते हमारा आई थिंक फेज 3 भी कंप्लीट हो चुका था, और गाइस फेज 4 स्टार्ट हो चुका था, और ये फेज था ओशन का। लेकिन गाइस उसके बाद मैं आता हूँ अपनी शीप को ब्रीड करवाता हूँ, और अब मैं लग जाता हूँ अपने घर को दोबारा से बनाने, क्योंकि गाइस मैंने बीच में छोड़ दिया था।
और गैस हमने ना वहाँ पर एक और ट्री हाउस बना लिया था, क्योंकि गैस वो वाला ट्री हाउस काटना पड़ गया था जहाँ पर हमने ट्री उगाया हुआ था, क्योंकि गैस वो घर के नीचे आ रहा था। लेकिन गैस तभी जब मैं अपने फार्म में जाता हूँ तभी वहाँ पर मेरे दोस्त के साथ हीरो ब्रेन पूरी फार्म उखाड़ देता है। और गैस मैं ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता हूँ। लेकिन गैस हीरो ब्रेन ना कोई कम नहीं था, वो भी हमारे घर के बेस पर जाता है जो मैंने अभी अभी बनाई थी उससे फाड़ देता है। और गैस मैं उसको मारने के लिए आगे बढ़ता हूँ लेकिन वो मेरे आंखों के सामने से गायब हो जाता है, मतलब ऐसे जैसे कुछ किया ही ना हो उसने। और गैस ये देखो उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। लेकिन गैस जैसे तैसे कर कर फिर हम लोग हिम्मत लाते हैं और गैस इस बेस को दोबारा से रीबिल्ड करते हैं। और गैस उसके बाद मैं बनाने चला गया था यहाँ पर एक और बेस, मतलब गैस वही ट्री हाउस वाली बेस, और अपने आइलैंड को हम लोग चारों तरफ से फेंस से कवर कर देते हैं भाई साहब। लेकिन गाइस इसी दौरान मुझे ट्री हाउस में दोबारा से हीरो ब्राइन नजर आता है। और गाइस इस बार तो मैंने अपने दोस्त को बोल दिया था कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे और उससे दो तीन हिट तो एक बारी में लगा ही देंगे, क्योंकि गाइस आखिरकार वो यहाँ से जला तो जाएगा ना भाई साहब, हमें कितना परेशान कर कर रखा हुआ इसने तेरी। लेकिन गाइस जैसे ही हम लोग वहां पर जाते हैं हीरो ब्रेन हम पर अटैक करने लग जाता है और गाइस मेरे दोस्त को तो मार भी देता है, और गाइस तभी वो मुझे भी नीचे पटक देता है। भाई साहब पता नहीं कैसे मार रहा था वो, इतने एक ही हिट में इतने दूर फेंक रहा था वो, और गाइस ये हमें यहाँ पर मारता रहता है। लेकिन गाइस एक मजे की बात ये हुई थी कि गाइस जैसे हीरो ब्रेन से हम लोग मर रहे थे ना, तभी गाइस पता नहीं क्या हुआ था हमारी इन्वेंटरी गायब नहीं हो रही थी। गाइस ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाली बात थी, वरना तो हमारा वर्ल्ड यहीं पे दी एंड हो जाता। लेकिन गाइस यही वो टाइम था जब मैंने हीरो ब्रेन को एक हिट किया और वो गया पूरा वॉइड में। लेकिन गाइस आप लोग क्या सोच रहे हो, ये खत्म थोड़ी हो गया, गाइस ये दोबारा आएगा उत्तरी गाइस। और यहाँ पर दोबारा से एक और मॉन्स्टर पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी, मैं और मेरा दोस्त इससे अच्छे से लड़ते हैं। लेकिन गाइस इस बार ना ये लोग थोड़ा पावरफुल हो चुके थे, और गाइस मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ अब तो हमें पूरा आयरन आर्मर बनाना पड़ेगा। लेकिन गाइस वो बोलता कि पहले घर बना लेते हैं, तो गाइस मैं पूरा सामान लाकर चेस्ट में रखता हूँ और अब एंजॉय करो। और गाइस इतना काम करने के बाद जैसे ही मैं आता हूँ माइनिंग करने, वहाँ पर एक चेस्ट था जिसके अंदर से भाई सब ट्राइडेंट मिलता है मेरे को। और गाइस ये हमारा घर कंप्लीट हो चुका है, गाइस कमेंट में बताना कैसा है। और गाइस इसी के साथ हमारे 100 डेज भी कंप्लीट हो चुके हैं भाई साहब। इस जर्नी में मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइस, क्या आपको आया कमेंट में बताना। और गाइस मैं मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।